हेलो दोस्तों, तो आज हम उस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिसने रातों रात सफलता प्राप्त कर ली थी। वो रईस घर की एक लौती बेटी थी। उसकी इतनी दर्दनाक मौत होने वाली थी, वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब वो 14 साल की थी तब उसे एक मिडिल क्लास लड़के से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। 18 की एज थी तब दोनों ने शादी कर ली और 24 साल जब हुए तब दोनों के दो बच्चे हुए। बट इतनी प्रॉब्लम हुई दोनों में कि दोनों ने अपनी मर्जी से अलग होने का फैसला कर लिया। तो इस लड़के से उसने शादी कर ली थी। फिर वो दिल की बहुत अच्छी थी जिसका नाम अभी जोई था, बहुत ही अच्छी थी। उसने पहले पति को भी छोड़ा नहीं, उसने उसको बहुत सारा अच्छे खासे पैसे दिए क्योंकि वो बहुत रईस घर की बेटी थी और टॉप नंबर की मॉडल थी। फिर उसने हांगकांग में उसके पहले पति थे, उसको अगर इंडिया के रुपीस में हम बताएं तो 17,000 करोड़ की प्राइस का वो उसने एक आलीशान घर ले दिया था उसने। और बच्चों को भी अच्छी तरीके से वो कुछ पैसे भेजती रहती थी मंथली में, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसने दूसरी शादी भी कर ली थी जहाँ पर वो भी दो वहाँ पर भी दो बच्चे थे उनके। बट कुछ प्रॉब्लम होने के कारण जब उसने पहले पति को बताया कि मुझे ये महल है, मतलब कि वो घर है, वो बेचना है और आपको हम कुछ छोटा सा और घर ले देंगे, बट वो उसको राज नहीं आया। और उसके पहले पति और उसके जो जेठ थे उसने दोनों ने मिलके उसे मार दिया। जब वो उसका जेठ था उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी, तब ये दिल की बहुत अच्छी थी अभी जो ही, तो उसने नौकरी पर भी रख लिया और अच्छा खासा उसे वेतन देती थी। बट जब पुलिस को पता लगा कि जब वो उसके पहले पति और उसके फैमिली वाले हैं, जब वो पुराने घर में बहुत बार आते जाते हैं, जब लोगों ने बताया तब उसने जांच की और पूछताछ की, तब जाके उसको पता लगा कि उसने अभी जोई को बहुत बुरी तरीके से मार दिया है और फ्रिज में उसकी बॉडी को रख दिया है। तो ऐसा